स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मुझे नाटक नहीं होगा, बहुत पेट दर्द हो रहा है। तो जा, जाके कह दे मीनू मैम से कि मैं ये रोल नहीं कर सकता। हर साल पर रोता था ना, लीड रोल चाहिए, लीड रोल चाहिए। अभी मीनू मैम ने लीड रोल दिया तो बहुत नखरे हैं ना तेरे। कितना फेथ है ना मीनू मैम को तुझ पे, और तू चला उन्हीं के फेथ को तोड़ने। जा जाके कह दे उनसे कि जो भरोसा उन्होंने तुझ पे किया था वो सब गलत था। तू अपने पापा से बहुत नाराज रहता है ना, पर तेरे पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं, तू किसी लायक नहीं है। मैं इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हूं, और तुम अगर तुमने फिर मुझे इन फिजूल बातों के लिए फोन किया तो यू विल गेट फायर्ड। सर अभी नहीं मिल सकते, आप प्लीज एक और बार कोशिश कीजिए। नौकरी छुड़वाओगी क्या मेरी? चलो जाओ यहाँ से। और क्या काम है तुम्हारा सर के पास? चंदा वंदा चाहिए तो मुझसे ले लो ये। अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम? प्यून पकड़ो उसे, कहाँ भाग रही हो? रुको, The reason behind the downfall is very... चलो यहाँ से। सर मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन ये जबरदस्ती अंदर चली आई। आने दो उसे। जी सर। Gentlemen, I'm very sorry. एक ब्रेक के बाद मीटिंग फिर से शुरू करेंगे। देखो तानी, तुम जानती हो मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें यहाँ इस वक्त इस तरह नहीं आना चाहिए था। ये घर नहीं, ऑफिस है। खैर छोड़ो, विमल कहाँ है? बुलाओ उसे। काका मैं अकेले आई हूँ। तुम अकेले आई हो? इतनी दूर? किससे? ट्रैम से। कुछ प्रॉब्लम है क्या? काका डेढ़ घंटे में हमारा प्ले शुरू होने वाला है और आप यहाँ हैं, आप प्ले देखने नहीं आएंगे? देखो तानी मैं, काका मैं सब जानती हूँ, आपके घर में जो कुछ भी हो वो सब, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलिए। तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल। प्लीज काका, वहाँ सबके माँ बाबा आए हैं, मेरे माँ बाबा भी आए हैं। आप सोचिए अगर आप वहां नहीं आएंगे तो अनुराग और रविंद्र को कितना बुरा लगेगा। जिद मत करो तानी, मैं वहां नहीं आ सकता। अनुराग की माँ है ना वहां पर। अनुराग भी चाहता है कि आप वहां आए काका, वो अपने मुंह से कभी आपको कुछ नहीं कहेगा, उसने मुझे भी कुछ नहीं बोला। वो आपको बहुत मिस कर रहा है काका, अगर आप वहां आएंगे ना तो उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी होगी। प्लीज काका मेरे लिए। देखो तानी यहाँ बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है, मीटिंग छोड़कर मैं नहीं आ सकता। तुम जाओ, तुम्हारे शो का समय हो रहा है, इस वक्त तुम्हें वहां होना चाहिए था। अपने लिए औरों को रोक कर रखना अच्छी बात नहीं, जाओ यहाँ से। लेकिन काका उन्हें बस जाओ। सबको अंदर भेजो, मीटिंग शुरू करनी। अच्छा पता है तानी और अनु की फेवरेट टीचर है ना मिस मीनू। इन्होंने ही तो दिया है उसको ड्रेस, हाँ इतना सुंदर है। थैंक यू सो मच। आप लोगों की वैसे सीट रिजर्व्ड है, आपको अनुराग और तानी ने बताया ही होगा। ठीक है, आप लोग जाके बैठ सकते हैं, मैं आपको बाद में ज्वाइन करती हूँ। दादा दादा, वो मेरा तानी है ना, वो सीता बना है, आप जरूर देखना प्ले। हाँ बॉडी, मेरा तानी सीता बना है। हाँ बेटा देखना तो। बॉडी सुनो तो, ये मेरा तानी है ना, वो सीता बना है, देखना। हाँ प्ले, मेरा तानी है वो। दीदी, अरे, दीदी, हाँ, कर रही हो तुम? अरे थोड़ा पब्लिसिटी कर रही हूँ, मेरा तानी सीता जो बना है। सुन मैं अनु की भी पब्लिसिटी कर दूंगी कि मेरा अनु त्रावण बना है। अभी रुक, ए दादा मीनू रुक तो एक सेकंड। ए सरस्वती बॉडी, मेरी तानी है ना वो सीता बना है प्ले में, जरूर देखना। और आपका बेटा ये क्या बना है? ये जामुन बना है। मैं आपका दुख में बिल्कुल शामिल हूँ बॉडी। चलो। अरे नीलू रुक तो। दुख? कैसा दुख?
देखो तो आपका बेटा तो प्ले में दिखेगा ही नहीं ना। क्यों? अभी अभी उसने भालू का ड्रेस पहना होगा और ऊपर से मुंह भी लगाया होगा, तो कैसे कोई पहचानेगा कि आपका बेटा? क्या? अरे नीलू रुक तो, मुझे बात तो करने दे इनके साथ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अच्छा नीलू सुन, मैं उनको, अरे दादा नहीं बेटा नहीं। अभी देख तो कितना अच्छा तानी के बारे में। अरे भाभी नमस्कार, तानी का प्ले देखना, सीता बनी है वो, हाँ तू भी देखना बेटा। जल्दी करो, सिर्फ आधा घंटा बचा है, जल्दी। yeah. अबे यार ये लड़की अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हम कब से तैयार बैठे हुए? Shut up रोबिंदो, तुम्हें पता भी है तैयार होने का क्या मतलब होता है। अच्छा वैसे गाइस सब लोग सेट है राइट प्ले के लिए? तानी तू लिपस्टिक लगा रही है, तेरे होठों पे लिपस्टिक ऐसी लगती है जैसे सिग्नल की लाल बत्ती हो। देख मोटू तो ज्यादा मत, तानी तो इसके बात पर ध्यान मत दे, यू नो तू बहुत अच्छी लग रही है, लुकिंग ब्यूटीफुल यू नो। तानी? यस मैम। तानी चलो स्टेज पर, प्रार्थना करनी है ना। ये मेरा तानी है और सीता बनेगा। मैं संभाल लूंगी, पर तुम अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, इंटरवल के बाद इमीडिएट तुम्हारा परफॉर्मेंस है। ओके क्या हुआ? दादा के पेट में दर्द हो रहा है, बहुत पेट दुख रहा है, मैं ये नाटक नहीं कर पाऊंगा। अरे पर अनुराग आज तुझे परफॉर्म करना ही पड़ेगा, आज तेरे बाबा आ रहे हैं और तुझे उन्हें दिखाना होगा कि तू कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हाँ दादा तानी बिल्कुल ठीक कह रही है, उठो कुछ नहीं होगा। एक मिनट रुका।
कौन से? ये ले। ये क्या है? अरे मोटू सोडा है, मैंने कब से देके रखा था, कहा था इमरजेंसी में काम आएगा तो आ गया। चल पी ले, मॉल जाते इसके लिए पानी लेके आ। हाँ एक मिनट। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे नाटक नहीं होगा। बहुत पेट दर्द हो रहा है। लेकिन अनुराग आज तेरे बाबा आए शो देखने। हाँ इसलिए ना, देख मैं बाबा के सामने खराब परफॉर्मेंस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो समझेंगे नहीं ना कि मेरे पेट खराब है, और फिर मैंने गलती से भी गलती कर दी ना तो बहुत डांटेंगे मुझे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है तो जा, जाके कह दे मीनू मैम से कि मैं ये रोल नहीं कर सकता। हर साल पर रोता था ना, लीड रोल चाहिए लीड रोल चाहिए, अभी मीनू मैम ने लीड रोल दिया तो बहुत नखरे है ना तेरे, कितना फेथ है ना मीनू मैम को तुझ पे, और तू चला उन्हीं के फेथ को तोड़ने। जा जाके कह दे उनसे कि जो भरोसा उन्होंने तुझ पे किया था वो सब गलत था, तुझे ना हारने की आदत पड़ गई, कभी बीच में थक्के रुक जाता है कभी रेस आ जाता है, तेरे हारने पे अगर मैं बेट लगाऊंगी ना तो हमेशा जीतूंगी, और आज तो शर्त लगाने की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि तू तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तू अपने पापा से बहुत नाराज रहता है ना, पर तेरे पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं, तू किसी लायक नहीं है। ए तानी, तुझे इस तरह बात मत कर समझी ना, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी, तू किसी लायक नहीं है, निकम्मा है तू, तुझसे कुछ नहीं होगा। देखा देखा, इसलिए ना तुझे तिक्की मिर्ची बुलाता हूँ, कुछ भी बोलती है कड़वा बोलती है। अच्छा और तू बड़ा मीठा बोलता है, 99 kgs, तू स्टेज पे जाएगा ना तो पूरा स्टेज धस जाएगा, इसीलिए तू परफॉर्म नहीं करना चाहता। तुम सब तैयार हो ना, इस इंटरवल के बाद तुम सबका शो शुरू होने वाला, चलो चलो जल्दी करो। तानी तू क्यों ऐसे समझाने में अपना टाइम वेस्ट कर रही है, इससे ना कुछ नहीं होने वाला, ये खुद तो अपना काम बिगाड़ ही रहा है, साथ में तेरा भी काम बिगाड़ देगा, तू ना अपने रोल पे कॉन्सेंट्रेट कर, ओके चल चल। अरे चल ना, लीजिए मैम। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। हेलो बेटा, आज तुम्हारा इन बच्चों के साथ आखिरी दिन है ना, कैसे तुम इन्हें कितना मिस करोगे, है ना? जी आप ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था इस साल मेरा बेटा इसी स्कूल में दाखिल हुआ है, वैसे भी जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने आपको देख लिया था, पर आपने मुझे पहचाना नहीं। हाँ वो लावणी थी ना साथ में, उसे कुछ मालूम नहीं है। ओह अच्छा, वैसे भी उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा है, पर फिर भी मैं आपकी परेशानी नहीं बनना चाहती हूँ, आज मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी। मैं अभी आती हूँ, पापा मैं काम करती हूँ, तू जा मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ।
सीते अभी भी समय है, सीते मेरी हो जाओ, इस लंका की महारानी बनाकर रखूंगा मैं तुम्हें। हे दुराचारी रावण, मेरे लिए तो ये सोचना भी महापाप है। अब हम आपकी पहचान करवाते हैं हमारे गुणी कलाकारों से। आज की इस रामायण में हमारे कलाकार हैं, जिसने राम का रोल प्ले किया है, उसका नाम है सुबोध भट्टाचार्य, और जिसने सीता का रोल प्ले किया है, उसका नाम है तानी बैनर्जी। और जिसने रावण का रोल प्ले किया है, उसका नाम है अनुराग गांगुली। Stop।